योग बना चुके पूरे देश में। और कोई भी परिवार, कोई भी गरीब परिवार, कोई भी ऐसा परिवार जिसको झोपड़ी है बचेगा नहीं, उसको पक्का मकान हम लोग बना के देंगे। ये हम लोग की प्रतिबद्धता है, ये हम लोग वो है, हम लोग की पार्टी वो है जो कि हर गरीब ये सुनिश्चित करता है कि कोई गरीब भूखा नहीं सोए। हर गरीब के लिए हर महीने 5 किलो अनाज, 5 किलो, 4 किलो नहीं, 5 किलो। ये बार बार मैं दोहराता हूँ, अगर 4 किलो देता है तो मत लीजिए, हल्ला कीजिए, हम लोग जाकर के आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि आपका अधिकार है 5 किलो अनाज। हम लोग की पार्टी वो पार्टी है जो कि लोगों को इलाज करने के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देती है। ये हम लोग की पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों की सुख चैन देखती है, हर गरीब के परिवार में गैस का चूल्हा, ये गरीबों की पार्टी है, गरीब का सुख चैन देखती है। हम लोग आपस में लड़ाते नहीं, सबको जोड़ते हैं, हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। अगर एक चीज आपके और समझना होगा, हम सबको समझना होगा, अगर आप नहीं समझेंगे तो भविष्य अच्छा नहीं हो, भविष्य उज्जवल नहीं है, भविष्य उज्जवल हो इसलिए आपको समझना होगा और उसी हिसाब से आपको वोट करना होगा। जहां पर अशांति होती है, जहां पर हत्या होता है, वहां पर कहीं कोई विकास नहीं होगा, वहां पर कोई काम नहीं होगा। जाके देख लीजिए नक्सल क्षेत्र में, चाहे वो झारखंड हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, विकास ठप। विकास वही होता है जहां शांति होती है, विकास वही होता है जहां पर कि आदमी इत्मीनान से काम कर सकता है, विकास वही होती है। ये ध्यान रखना होगा, अगर अभियान का विकास चाहिए तो हम लोग गठबंधन को जिताइए, ऐसे जिताइए, ऐसे ऐसे गठबंधन को मत जिताइए जिसके बारे में कि सब कोई जानता है कि उसमें हत्यारे लोग है, उसमें ऐसे लोग है जो कि विभेद करते हैं, झूठा केस कराते हैं। खुद लालू यादव माले को क्या कहा करता था, लोगों को नक्सल लोगों को मुड़ी कटवा सब कर रहा, आप भी वो गठबंधन कर दिए पॉलिटिक्स के लिए। लालू यादव हर बार हर समय कर दी सब कटवा बारम हो, वही लोग है ये लोग। अब टोपनाथ राम जी तो ये फिर कोई इंट्रोडक्शन, कोई परिचय के मुखाज नहीं, आपके बीच रह चुके, आपके बीच काम कर चुके, सहज है, सरल है, सबसे मिलते हैं और सबका काम करते हैं, बिना कोई भेदभाव का काम करते हैं। और आप ये मान करके चलिए कि ये रहेंगे तो आपका विकास होगा। हम लोग साथ मिलकर करुणा प्रणाम जी और हम साथ मिलकर करके अभियान क्षेत्र का विकास करेंगे। तो माले ये है जो कि विकास का मतलब नहीं जानता कि विकास क्या होगा, माले वो है। हम लोग वो है जो विकास करते हैं, हम लोग वो है जो कि हर परिवार के लिए पक्का मकान बनाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब है सांसद, सांसद में हमको एक ही बात कहनी, अगर कोई सांसद हमसे ज्यादा विकास किया हो तो हमको अभी जो सो देते हैं, हमसे ज्यादा विकास कोई नहीं किया। हम लोग विकास करते हैं बिना भेदभाव के, हर गांव में योजना देते हैं, चाहे किसी जाति का हो, चाहे हमको वोट किया हो या नहीं किया हो। ज्यादातर गांव में मेरा योजना चला गया, जो गांव बचा हुआ है वहां भी चला जाएगा। हम लोग कोई भेद विभेद नहीं करते, हम जात पात नहीं जाते, हम सबका काम करते हैं, सबका पैरवी करते हैं और हमारा काम ईमानदारी से होता है। अब क्या काम हो ये गाँव वाले चुनते हैं। जिला के जितने बड़े काम हुए वो अब तक लंबित थे, आजादी के बाद से अब तक लंबित, और सारा बड़ा काम हमने कर डाला। जो कुछ और काम है वो भी सोच सोच करके बड़ा काम कर रहे हैं। आरा को एक नया जिला बना रहे हैं, आरा को एक आधुनिक जिला बना रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, जो करने की जरूरत है। हमारे सामने कौन है, फिर वही माले जो कि मार काट करता है, जो एक काम आज तक किया गया, उसने एक तराड़ी में कितना काम, एक काम किया गया, सिर्फ आपस में विभेद कराता है, लोगों पर झूठा मुकदमा करवाता है। हमारे सामने वो निर्णय आपके लिए, आप कर लीजिए। हम यही कहेंगे आपसे कि वोट करते समय ये ध्यान रखिए कि वोट उसी को कीजिए जो ईमानदार है। अगर जात के नाम पर आप बस शादी को वोट कर दीजिएगा तो बाद में मत कहिए कि वोट भ्रष्टाचार है। वोट उसी को कीजिए जो कि काम करता है,
आज जिसमें भी काम कराने की क्षमता है, सिर्फ जात के नाम पर वोट कर दीजिएगा तो बिहार पिछड़ा का पिछड़ा रहेगा, यही ध्यान रखिए। ये सोच लीजिए, आप मन बना लीजिए, आज यही बात देश का। वैसे ही पार्टी को वोट दीजिए, वैसे ही गठबंधन को वोट दीजिए जो कि देश को मजबूत बनाएगा। अब वो हमारा गठबंधन है, वो NDA है और हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। हम लोगों ने अपने देश को दुनिया में पांचवे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा ताकत बना दिया। सबसे बड़ा ताकत होता है अर्थव्यवस्था की ताकत। और अगले टर्म में ये इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी अगले टर्म में प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाशक्ति बनेगा। अब बाद में दूसरा और उसके बाद फिर दुनिया का सबसे बड़ा महाशक्ति बनेगा। हम लोग क्या तो यही सपना है कि हमारा देश महाशक्ति बने। हम लोग का तो यही सपना है कि जितने गरीब है उनको पक्का मकान हो और उनको पेट में ये अन्न हो, वो 3 टाइम 4 टाइम जितना खाने की दिक्कत नहीं हो, हर बच्चा पढ़े लिखे, हर बच्चा तरक्की करे। हम लोग का यही सपना है। हम लोग का और कोई सपना नहीं, हमारे गठबंधन का और कोई सपना नहीं। हम लोग का सपना है सबका साथ सबका विकास। हम लोग सबको लेके चलते हैं और इसीलिए जनता हमको वोट करती है क्योंकि नरेंद्र मोदी ईमानदार मजबूत है। कोई आंख उठा के देश की तरफ देखता है तो उसको घर में घुस करके मारते हैं। 370 हटा दिया। मजबूत देश सिर्फ वही बना सकते हैं, वो लोग नहीं बना सकते जो आज तक तय नहीं कर सके उनका प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है। आज तय कर भी नहीं पाएंगे, तय नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब लालच से घिरे हुए हैं। प्रधानमंत्री हम बड़ा बजा, प्रधानमंत्री हम बड़ा बजा, ऐसा कहीं कोई गठबंधन होता? यही गठबंधन, यही गठबंधन ऐसा है जो कि खाली कागज पर सीट बंटवारे के समय में सब उजागर हो गए। ममता बनर्जी बोली कि बंगाल में कांग्रेस को हम एक सीट नहीं देंगे, यही गठबंधन का। अखिलेश गोत्रवर ये उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस के 5 सीट दे, बस वो सफाई दे रहे और तब वो चले गए, ये लोग गठबंधन अखिलेश से। खैर दूसरे की बात क्या करें, हमारी सरकार को आपने देखा है, नरेंद्र मोदी को आपने देखा है। बोलिए आपको नरेंद्र मोदी पर विश्वास है कि नहीं?